हेलो दोस्तों, अनमोल रेसिपी में मैं नीलम राय आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल बनने वाला रगड़ा चाट, जो कि बहुत कम टाइम में बनकर तैयार हो जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा जरूर। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने 2 कप मटर लिए हुए हैं, पीले वाले मटर, और इसको हमने 5 से 6 घंटे के लिए फूलने के लिए रख दिए थे। ये फूल कर एकदम रेडी हो चुके हैं। और अब हमने ये 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हुए हैं, और इस आलू को भी हमने बहुत अच्छे से छीलकर साफ़ कर लिया है, धो लिया है। तो इन सारी चीज़ों को करना क्या है, हमें कुकर में पलट देना है बस इस तरह से। और हमने मटर को 2-3 पानी से धुल कर निकाल लिए थे, साफ़ कर लिए थे, और आलू को भी इसी तरह इसमें ऐड कर देना है। आलू भी बहुत अच्छे से साफ़ करके धुल लिए हैं हमने। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। नमक हमें थोड़ा सा ही ऐड करना, ज़्यादा नहीं, 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, और एकदम थोड़ा सा ही इसमें हम बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। बट बेकिंग सोडा ना हो तो आप मीठा सोडा भी खाने वाला यूज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, एकदम थोड़ा सा ही ऐड करना है। इससे होता क्या है कि जो हमारे मटर जब अच्छे गलते हैं ना, तभी चाट को खाने में मज़ा आता है। तो आप देख सकते हैं, इसमें हमने पानी ऐड कर देना है। तो पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर दीजिएगा इसकी थिकनेस, बट हमने इसमें 1 ग्लास के करीब पानी ऐड करा है। मटर से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, आप देख सकते हैं। बस इस तरह से हमें सारी चीज़ें डालकर कुकर को बंद कर देना है। फाइनली आप देख सकते हैं, इसमें हमने पानी भी ऐड कर दिया है। अब इसको हमें 4 से 5 सीटी आने तक हमें बहुत अच्छे से पकाना है, एकदम ही सॉफ्ट होने तक, और 2 मिनट के लिए स्लो कर देना है। बस इस तरह से हमारा, ये देख सकते हैं आप, पककर एकदम ही रेडी हो चुका है हमारा मटर। इस तरह से पकना चाहिए, बट आप यदि कम ज़्यादा करें तो इसमें आप देख सकते हैं। बस मटर का हमेशा याद रखिएगा कि मटर एकदम सॉफ्ट पकना चाहिए। तो ये देख सकते हैं, जब हम सोडा डाल देते हैं ना, तो मटर बहुत अच्छे से पककर तैयार होता है। बस इस तरह से हमारा मटर एकदम ही पककर रेडी हो चुका है। अब हमें मैसर लेना है एक, और एकदम थोड़ा थोड़ा ही जो हमारे आलू हैं उसको मैस कर देना है। जो मटर है ना, मटर को थोड़े से खड़े रहने दीजिएगा, क्योंकि उसे जब खड़े मटर रहते हैं तभी थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आता है। तो एकदम हल्के हाथों से मैस करना है, ज़्यादा मैस नहीं करना है कि आलू भी मैश हो जाए, क्योंकि उसे आलू ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहते हैं कि इसमें मैश कर देना है आलू को। बस इस तरह से इसको मैश करके हमें करना क्या है, अब इसको एक साइड में रख देना है और इसको ढक्कन लगा कर रखिएगा। बस एक कढ़ाई ली है, इसमें हमने 3 टेबल स्पून ऑयल डाला हुआ है। आप देख सकते हैं ऑयल हमारा ज़्यादा नहीं है, सिर्फ ओनली 3 टेबल स्पून ही ऑयल है। और एक प्याज को हमने एकदम रफली चॉप कर लिए हैं, आप देख सकते हैं एकदम ही बारीक प्याज है। इसको हल्का सा गोल्डन होने तक हमें फ्राई करना है। दोस्तों, मोस्टली जब हम चाट बनाते हैं आलू के टिक्के और समोसे वाला, तो उसको हमें फ्राई नहीं करते, बस कच्चा ही इस्तेमाल होता है। लेकिन ये जो चाट है, इसको हम फ्राई करेंगे तभी इसमें टेस्ट आएगा। बस एक रफली चॉप की हुई हरी मिर्च है, मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। देख सकते हैं हमारी प्याज एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें, अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि इस चाट में सबसे अच्छा टेस्ट लाता है। बस 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। यदि आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट ना हो तो आप कद्दूकस करके डाल सकते हैं। बस 1 टमाटर को हमने एकदम रफली चॉप कर लिया है। तो इस तरह से हमें बहुत अच्छे से इसे थोड़ा सा पकने तक इसको भूनना है, और जो कि अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छे से भून जाए। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। बस इतने ही मसाले ऐड करना है, मसाले ज़्यादा ऐड नहीं करना है, और इसको बढ़िया सा मसाले को भूनने तक हमें पकाना है। बस इस तरह से हमारे मसाले सारे भून कर तैयार हो चुके हैं, और 1/2 टेबल स्पून हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। यदि आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसमें और 1/2 टेबल स्पून हम इसमें काला नमक ऐड करेंगे। चाट मसाले की जगह अमचूर पाउडर बोल रही हूँ दोस्तों, सॉरी, अमचूर पाउडर इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि उसे हल्का सा खट्टापन आता है ना, तभी टेस्ट अच्छा आता है इसमें। बस इसको हमें 2 मिनट तक हल्का सा स्लो गैस में फ्राई करना है। देख सकते हैं आप, जो हमारा ऑयल है बहुत अच्छे से रिलीज़ होने लगा है आउट साइड। अब हमें इसमें मटर पलट देना है। बस इस तरह से हमारे सारे मटर बहुत अच्छे से, जो हमारा मसाला है वो सारे मटर में बहुत अच्छे से मिलकर तैयार हो जाए। इस तरह से हल्का हल्का देख सकते हैं आप, हमारे जो
आलू हैं वो दिख रहे हैं, तो उसको हमें इस तरह से चम्मच से थोड़ा सा उसे भी मैश कर देना है। फाइनली ये हमारा रगड़ा बनकर एकदम रेडी हो चुका है। उसमें हरा धनिया ऐड कर देना है थोड़ा सा, और इसको 2 मिनट इसी तरह हमें भूनने के बाद, बस इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा दबाते जा रहे हैं। इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। बस फाइनली हमारा ये बनकर रेडी हो चुका है। स्लो गैस में हमें थोड़ा सा, क्योंकि जो हमारे अदरक लहसुन है ना वो सारे इसमें मिलकर रेडी हो जाए, देख सकते हैं आप हमारा मटर भी हल्के हल्के से खड़े हैं। बस इसको हम इसी तरह से रखेंगे। अब इसमें हमने थोड़ा सा निकाल कर रख लिया, और बाकी जो बचा था हमने उसे ढक कर रख दिया है, क्योंकि उसे ये चाट जो है वो गरम गरम ही अच्छा लगता है। बस इसकी तैयारी आप देख सकते हैं, मैंने सारी तैयारी पहले से ही कर कर रखी हुई है। तो इसमें हमने प्लेन वाला नमकीन लिया हुआ है, मीठी खटाई, दही और पानी पूरी मसाला जो है उसमें जीरा और काला नमक। आप देख सकते हैं जो हमारी ये वाली कटोरी है उसमें हमने पानी पूरी मसाला ऐड करी हुई है, और हमने मीठी वाली मीठी नहीं सॉरी दोस्तों, नमक वाली सलोनी बना कर रखी हुई है, क्योंकि उसमें पपड़ी बनाती है। इस बार हमने एकदम पतली सी ही इसमें हमने सलोनी बना कर रखी हुई है, और इसमें हमने कलौंजी ज़रूर ऐड करी हुई है, और इसमें हमने रफली चॉप की ही प्याज, टमाटर और ककड़ी, इन सारी चीज़ों को एकदम से पहले से ही चॉप करके रख लिया है, जीरा और लाल मिर्च पाउडर। बस फाइनली ये हमने सारी तैयारी, बहुत टाइम लगा है दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी मेरी किचन एकदम ही फैली पड़ी हुई है। एक साइड मुझे खाना बनाना है और एक साइड मैंने चाट की तैयारी करी हुई है। तो अनंत अभी बस मसाला मेरा थोड़ा चला रहा है ताकि चिपके ना, मैं उसके लिए अब चाट बनाना तैयार करती हूँ। तो फाइनली आप देख सकते हैं इधर मैं चाट उसको बना कर दे रही हूँ। तो इस तरह से हमें ये रियांश और अनंत फिर मस्ती करने लगे हैं। बस अब एक हमें बड़ा सा बॉल लेना है, और उसमें हमें थोड़ा सा मटर को डालना है। बस इस तरह से हम थोड़ा सा ही मटर ऐड करेंगे, और इसमें बाकी की सारी चीज़ें हमें सब थोड़ा थोड़ा, ये जो हमारी नमक वाली सलोनी है उसको ऐड कर देना है, क्योंकि इसमें हमने आलू की टिक्की और समोसा ऐड नहीं करें ना, तो ये पपड़ी इसमें डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस इस तरह हमें इसमें थोड़ी सी ककड़ी डाल देना है, टमाटर डाल देना है, थोड़ा सा इसमें हमें प्याज डालना है, क्योंकि उसे ककड़ी का टेस्ट जो है ना वो बहुत गजब का आता है, और टेस्ट के साथ साथ हेल्दी भी होता है। बस अब इसमें हमें ये सारी चीज़ें ऐड कर देना है, और ये सारी चीज़ें आप कम ज़्यादा तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे किसी को दही पसंद नहीं रहता तो किसी को खटाई पसंद नहीं रहता, लेकिन चाट का तो अपना एक नियम है कि जब तक हम सारी चीज़ें ना इसमें ऐड करें तब तक मज़ा ही नहीं आता है। और ये जो जीरा पानी हमने बना कर रखा हुआ है इसमें भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बस इस तरह से हमें जीरा पानी तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें काला नमक और जीरे पड़े हुए हैं और मीठी खटाई। बस इस तरह से हम मीठी खटाई डाल देंगे इसमें। मीठी खटाई भी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, किसी को ज़्यादा खट्टी किसी को कम खट्टी पसंद रहती है। तो बस इस तरह से मैं सारी चीज़ें तैयारी करके रखी हुई हूँ। अब इसमें हम थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। मैं इसमें काला नमक इसलिए ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसमें हमने जो जीरा पानी है ना उसमें हमने काला नमक डाला हुआ है। और फाइनली इसमें हम अब डाल रहे हैं थोड़ा सा प्लेन वाला नमकीन। तो ये चाट जो है एकदम ही बनकर तैयार हो चुका है। आपने देखा होगा ना ही इसमें समोसा डाला है ना ही आलू की टिक्की डली हुई है, फिर भी हमारा चाट इतना गजब का बना हुआ है ना पूछे ही नहीं। तो प्लीज़ दोस्तों यदि मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशानी से ये वीडियो बना रही हूँ, आई होप कि मैं आगे ऐसे ही काम करती रहूँ।